करके पैसा जमा करके मैंने मटेरियल के लिए पैसा जमा करके फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था। लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है विजय ब्लॉग्स। और दोस्तों, आज के वीडियो से पहले मैं शुभमय पॉल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो बना पा रहा हूँ वो शुभमय पॉल की वजह से बना पा रहा हूँ। उन्होंने कमेंट करके मुझे इस टैलेंट के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि ऐसे यूनिक टैलेंट में लेके आओ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, चेतन राउत जो है एक आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने यूनिक टैलेंट के लिए 7 times वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और उसका जो टैलेंट है बहुत ही अमेजिंग और यूनिक होता है और समाज में कुछ ना कुछ मैसेज जाता है। चेतन जी, इन शॉर्ट में थोड़ा सा आप लोगों को बताइए आपके बारे में। मैं चेतन राउत हूँ और मैं हालांकि जावा से बिलोंग करता हूँ जो वहाँ का आदिवासी एरिया है। वहाँ से मैं बॉम्बे के लिए बॉम्बे में एजुकेशन के लिए आया था। यहाँ पे मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में मास्टर और बीएफए दोनों किया हुआ है। मुझे एक बार फ्रांस और इटली का टूर भी मिला था जो मैं फ्रांस इटली जाके आया था। बट मुझे यहाँ पे इंडिया में कुछ अलग करना था जो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने सोचा साथ ही साथ उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दूँ तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इंडिया को रिप्रेजेंट करना हर एक की ख्वाहिश होती है। तो मतलब आपको कौन सा मतलब अवार्ड मिला है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को बताइए। मुझे बहुत सारे स्टेट अवार्ड मिले। एक नेशनल अवार्ड है 2014 में, नेशनल एजुकेशन समिट 2014 गुजरात में था, तो नरेंद्र मोदी के हाथों से वो मिला वो। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल के लिए ट्राई किया, नेशनल तो हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना चाहिए तो मैं ऐसे कुछ चीजें करना चाहता था जो अभी तक दुनिया में नहीं हुई और इंडिया में वो चीज़ हो। तो इसके लिए मैंने रिसर्च चालू कर दिया कि मैंने सोचा कि मैं खुद का एक नया रिकॉर्ड बनाऊं। तो इसके लिए मैंने रिसर्च चालू किया। बट एक आर्टिस्ट के साथ साथ तुम एक समाज में जो समाज में जी रहे हो तो उनको एक अच्छा सोशल मैसेज भी जाना चाहिए। इसके लिए मैं खाली वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया तो एजुकेशन थ्रू और ई वेस्ट की जो इंडिया की समस्या है, आज 4th पे इंडिया ई वेस्ट के प्रॉब्लम में है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को सूचित करने के लिए कि हम लोग उस जोन में फंस रहे, तो इसके लिए मैंने वो आर्टवर्क बनाना चालू किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो इसे मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए 2 साल में। और मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मैंने कैसेट से नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाया हुआ था जो कैसेट से था, क्योंकि ई वेस्ट प्रॉब्लम था। हम लोग डिजिटल इंडिया कर रहे हैं लेकिन ई वेस्ट है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक कैसेट से ही नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाया था। उसके बाद मैंने 2nd वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, जैसे कि स्त्री के प्रति लोगों का आदर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी इंडिया में स्त्री के लिए एक बहुत अच्छा विषय था। तो इसके लिए मैंने एक सीडी से, कंप्यूटर का जो सीडी होता है वो सीडी से वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीडी मोज़ेक पोर्ट्रेट बनाया जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। और लेटेस्ट ये जो आपने बनाया, मतलब आप बोल रहे हो कि पूरा सीढ़ी से इतना बड़ा ये बना दिया, मतलब कितना मतलब डायमेंशन का था ये? 110 feet बाय 90 feet का पोर्ट्रेट था, मतलब 11 माले के बिल्डिंग इतना ऊंचा था, और जो यहाँ के 1 May तक ये फ्रांस और इटली तक पहुंचा था, जैसे कि हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है जैसे कि फ्रांस और इटली तक पहुंचना, क्योंकि पेरिस जो कले का एक शहर है जो हर एक आर्टिस्ट चाहता है वहाँ तक पहुँचे, तो मेरा काम भी वहाँ तक पहुँचा, बहुत सारे लोगों ने उसको सहारा। तो और वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो गिनीज के लिए भेजा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया। और एक आर्ट वर्क जो लोगों तक पहुंचता है, एक आर्ट वर्क जो लोगों को एक अच्छा मैसेज देता है, जैसे कि बहुत सारे मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया उसमें बहुत सारे बाहर गाँव के आर्टिस्ट मुझे मिले, तो उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब वो काम देखते इतना ह्यूज इतना बड़ा, तो वो उनको देखते ही रह जाते, वो बोलते कि ये बनाया कैसे। 75,000 एक बार
जोरदार तालियां होना चाहिए कि आप जैसे लोगों की वजह से मतलब हमारे देश का नाम आज इतना आगे जा रहा है, उस वजह से दुनिया में लोगों को पता चल रहा है कि शिवाजी महाराज है कौन, और आपने आज देश का नाम बहुत रोशन किया ये चीज करके। तो ये चीज को आपको बनाने में कितना टाइम गया, मतलब ये कोई छोटा चीज नहीं है, मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ। मतलब मैंने आप पहले भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए थे यूएस से लेके गए थे, तो यूएस का मटेरियल था सीडी, बट सीडी को ढूंढना हम लोग बॉम्बे में पूरे रिसर्च, मेरी रिसर्च टीम थी, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पूरे रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, और ऐसे ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हो तो वहाँ से वो कलेक्ट करना। तो बॉम्बे का हर एक पार्ट से हम लोग ने वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया, क्योंकि मुझे 75,000 सीडीज चाहिए थी, तो वो सीडीज एक जगह पे लाना, उसको कलेक्ट करना, उसके साथ साथ मैं कोई भी ड्रॉइंग नहीं करता। एक खास बात, ये जो सीडी होता है ये नया नहीं, मतलब वेस्ट चीज है, वेस्ट चीज है, मतलब सही है, मतलब कुछ चीज खराब है आप उसी चीज को यूज करके वाट हो। हाँ, क्योंकि जैसे कि वेस्ट से तुम बेस्ट क्या दे सकते हो, उसके लिए हमने कोशिश की, और हमने जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया उसके बाद मैं कोई भी ड्राइंग नहीं करता, इतना बड़ा पोर्ट्रेट बना कहाँ पे भी ड्राइंग नहीं कर, एक एक सीडी प्लेस करके वो पोर्ट्रेट बना, तो लोगों को और भी इतना था कि इतना बड़ा बंदा विजुअल कैसे कर सकता है, या फिर कोई भी विदाउट ड्राइंग एक बंदा एक एक चीज रख के पोर्ट्रेट कैसे बना सकता है। मतलब इसके लिए बहुत सारे जो टीम है उसके मतलब टोटल टीम की प्लानिंग थी है, मतलब जैसे कि ये पोर्ट्रेट एक काम करते समय मेरे साथ मेरे दो दोस्त जुड़े हुए थे, फिर वो आर्टिस्ट थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, धीरे 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 करके टीम बढ़ने लगी, जिनको आर्ट पसंद है वो लोग भी उसमें आने लगे, क्योंकि हर एक को सीखना बहुत पसंद है। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो आर्ट कल्चर से नहीं थे बट वो भी आखिर में आके जुड़ गए, क्योंकि हर एक को रिजल्ट नहीं पता था, रिजल्ट सिर्फ मुझे पता था, उनको सिर्फ काम करना था, उनको पता था कि दिया गया काम उनको बेहतर तरीके से करना था, आप पे भरोसा था और उनको पता था कि फाइनल रिजल्ट दादा को पता है कि बनने क्या वाला है करके, तो उन्होंने भी उतना ही मेहनत किया। हम लोग 6-7 रात पूरे विदाउट सोए सब लोग ने काम किया, उसके बाद जो आउटपुट निकला वो सीधा ड्रोन शॉट में आपको दिखेगा। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब जब आप ये सब चीज करते हो तो क्या आपकी फैमिली, क्या आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं आपको? तो मेरे साथ मेरे दोस्त है, मेरी कोर टीम है, जो यहाँ के पवई के कुछ बंदे हैं जो उनको आर्ट सीखना था तो वो सब मेरे से ज्वाइन हो चुके हैं, अभी मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट में हर एक नए बंदे को वहाँ पे चांस देता हूँ जो हमारे साथ आके सीख सके, काम कर सके। तो ऐसे साथ मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों में। तो मैं एक बार आपकी सिस्टर को एक बार दोबारा सैल्यूट करता हूँ, और आपके दोस्तों को भी जो आपको सपोर्ट करते हैं। मैं चेतन की बहन, उसको हर चीज़ में उसको सपोर्ट करती हूँ, मेरे फैमिली का भी उसको बहुत सपोर्ट रहता है, और आप भी आपके घर में अगर फैमिली में कोई बच्चा है तो उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी रहता है आगे जाने के लिए, और उसके दोस्तों का भी। मेरा नाम अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे सब आर्टिस्ट से पहचानते हैं, और इसकी वजह है मेरे दोस्त चेतन, उसकी वजह से मैं इतना सीख पाया हूँ। और एक आपका कुछ आर्टवर्क है APJ का, वो भी मैंने देखा है, तो उसके भी बारे में बताइए थोड़ा, कैसा प्लानिंग किया मतलब APJ का आर्टवर्क करने? APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, इंडिया का मिसाइल मैन है, जिन्होंने मरने के बाद भी वो कुछ लेके नहीं पाए, उनके जब देखा गया तो उनके पास कई बुक और कपड़े थे, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है पूरे यंग जनरेशन के लिए कि हम खुद को कितना डेवलप कर सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो मैं और मेरे टीम ने रिसर्च किया कि APJ अब्दुल कलाम का पोर्ट्रेट बनाना, तो उसके लिए क्या कर सकते, जिसके उनके खास सबसे नज़दीक वाली चीज़ लगी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट और मोस्टली जो भी है PC वर्क पे सब कुछ चलता है, तो कीबोर्ड के बटन्स वो एक की थे, वो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छे की थे, तो एक इंस्पिरेशन की थे, तो मैं सोचा कि कीबोर्ड के बटन से हम लोग उनका पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो मैंने 87,000 कीबोर्ड के कीज से वर्ल्ड का सबसे बड़ा कीबोर्ड मोजैक पोर्ट्रेट बनाया, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए था। Thank you.
मेन चीज आप इतने बड़े बड़े आर्टवर्क बनाए तो इसका फाइनेंस आप कहाँ से मतलब कैसे होता कैसे आपके पास फाइनेंस कहाँ से आया? जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके लिए तो मैंने मेरे ही जेब से पैसे डालते, मेरा सैलरी से मैं एक एक पैसा जमा करके मैंने मटेरियल के लिए पैसा जमा करके फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो बहुत यूज था, बहुत बड़ा था, तो उसके लिए पैसा भी उतना ही लगने वाला था। तो हमारे स्थानिक जो आमदार है सुनील राउत, उन्होंने मुझे मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे उस काम के लिए सपोर्ट किया। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने भी एक मई को मुझे मेरा सत्कार किया था। और ये जो चीज अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने एरिया में हो रहा है तो उनको भी बहुत सही लगा। और ये सपोर्ट मुझे अच्छा लगा कि जो आमदार आप बोल रहे हो ऐसे ही सब लोग रहना चाहिए और ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको जिन्होंने सपोर्ट किया आमदार उनको एक ग्रेट सल्यूट, जो ऐसे टैलेंटेड लोग को सपोर्ट करते हैं और इससे समाज में बहुत बढ़ावा मिलता है मतलब। और इसमें कितना मतलब लगभग कितना खर्चा है मतलब इतना बड़ा चीज़ बनाने के? जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज बना था उसमें 8 लाख का खर्चा था पूरा। तो ये सीढ़ी को पकड़ के उसके, क्योंकि सीढ़ी सिर्फ सीढ़ी नहीं होता, वो ग्राउंड में किया हुआ है, तो तुम्हें आर्ट के साथ साथ नेचुरल जो भी दुविधा आने वाली है उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ग्राउंड में आके भवंडर आके पूरा उड़ा लेके जा सकता है, तो हर एक सीढ़ी को कारपेट पे पेस्ट करना, उसमें फेविकॉल का खर्चा है, उसके बाद फिर जो कारपेट है कारपेट एरिया का खर्चा है, कलर का खर्चा है, उसके बाद सीढ़ी प्लेस करने का खर्चा है। तो इसमें जितना भी खर्चा है उसके लिए जैसे कि तुम पहले अगर कुछ काम किए हो तो तुम लोगों को दिखा सकते हो कि ये मेरा काम है, तो वही लोग तुम पे ट्रस्ट रखेंगे कि नहीं ये बंदा अगर ये बना सकता है ये बंदा कुछ भी बना सकता है। तो लोग अपने आप तुमको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और तुमको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक सोशल सब्जेक्ट है और सोशल मैसेज है, तो लोगों तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत सारे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए तुमको बहुत घूमना पड़ेगा, एक स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत जगह पे घूमना पड़ता है, उनको वर्क दिखाना पड़ता है, तो जाके वो लोग तुमको ट्रस्ट करके तुम्हारे पास वो काम करें। अभी जो कोई अगर वीडियो देख रहा है उसके लिए आप क्या मोटिवेशनल चीज बोलना चाहेंगे? जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं यही चाहता हूँ कि पूरे जो भी काम कर रहा है उस बच्चे को उसकी फैमिली सपोर्ट करे, एक भाई रहेगा तो उसको बहन उसको सपोर्ट करे, ताकि उसको इंस्पिरेशन मिले। दुनिया भर में उसको टोकते रहे बट उसको एक इंस्पायर करो अच्छे काम करने के लिए, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके और अपना कुछ एम्पायर खड़ा कर सके। यस शाबाश। और आज मुझे आपसे वीडियो बना के बहुत अच्छा लगा और प्राउड फील हो रहा है आज मुझे कि इंडियंस आज इतना दमदार रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं बहुत। और एक बार सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को बढ़िया से लाइक कर दीजिए, और जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। और आप चाहते हो अगर ऐसे में यूनिक टैलेंट और भी लेके आओ तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर जो कोई लोग नए आते हो हमारे इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।